हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम रिलेटेड चैनल में। चलिए जानते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला इसमें सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। जो हमारा शरीर होता है या किसी भी जीव का जो शरीर होता है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो उन्हीं का अध्ययन जो है कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया 1665 के अंदर, उसी के अंदर इन्होंने सेल का जिक्र किया था, जिसके बाद इसके ऊपर अध्ययन हुआ। आगे है जेनेटिक आनुवंशिकी। जो हमारा डीएनए होता है या फिर जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर गुण आते हैं हमारे पूर्वजों के, उन सब का अध्ययन जेनेटिक आनुवंशिकी के अंदर होता है। ग्रेजर मंडल ने, आपने वो मटर के दाने के बारे में सुना होगा, इन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, छोटे बड़े लिए थे कि किस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अंदर गुण आते हैं। अगला है हमारा माइक्रोलॉजी, कोको का अध्ययन। आपने गंदगी के ऊपर सांप की छतरी देखी होगी, ठीक है, हमारी लोकल भाषा में इसको सांप की छतरी कहते हैं, तो वो क्या है, कवक है, ठीक है, उनका अध्ययन माइक्रोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसको अध्ययन करने वाला माइक्रोलॉजिस्ट होता है, बोटिंग के अंदर इसको पढ़ा जाता है। एडविन जॉन बटलर, ये एक आयरिश व्यक्ति थे, इनको फादर ऑफ इंडियन माइक्रोलॉजी कहा जाता है। इनका जन्म जरूर आयरलैंड में हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है इंडिया के अंदर की थी। अगला हमारा फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन। जो काई होती है उसके अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। एम ओ पी अयंगर, 1886 से लेकर 1963 के अंदर इनका जन्म और मृत्यु हुई थी। इनको भारत का फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये याद रखना है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी थे एम ओ पी अयंगर और फादर ऑफ इंडियन माइक्रोलॉजी थे एडविन जॉन बटलर, आयरिश व्यक्ति थे। आगे हमारा एपिकल्चर और बी कीपिंग। नाम से ही पता चलता है बी कीपिंग होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है, उसको एपिकल्चर भी बोलते हैं। मधुमक्खी पालन या फिर उनके ऊपर अध्ययन एपिकल्चर के अंदर आता है। आगे है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन जहाँ होता है उसको पोमोलॉजी बोलते हैं। पोमोलॉजिस्ट जो इसके ऊपर अध्ययन करता है उसको पोमोलॉजिस्ट बोलते हैं। चार्ल्स डार्विन, अमेरिकन पोमोलॉजिस्ट, इसके फादर ऑफ पोमोलॉजिस्ट बोला जाता है इनको, ठीक है। अगला हमारा ओर्टिकल्चर, इसके अंदर आता है उद्यान विज्ञान, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है सभ्यता और ओर्टी का मतलब होता है ऐसी जमीन जहाँ पर खेती की जाती है या फिर बाग लगाया जाता है। आगे है सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर के अंदर होता है। जो सिल्क के कपड़े होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है या फिर जो रेशम के कीड़े होते हैं, सिल्क के कीड़े, उनको कैसे पालते हैं, उसका अध्ययन इसमें होता है। एंटोलॉजी, कीटों का अध्ययन। इससे पहले सेरिकल्चर था, उसके अंदर केवल रेशम के कीटों का अध्ययन किया जाता था, लेकिन इसके अंदर सभी कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसके पिता हैं विलियम किर्बे, ठीक है। अगला हमारा फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के अंदर आता है फूलों का अध्ययन, फ्लावर फ्लोरिकल्चर, ठीक है। अगला हमारा ओंथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन जिसके अंदर होता है। होमे को फादर ऑफ इंडियन ओंथोलॉजी बोला जाता है। ओपियोलॉजी, सांपों का अध्ययन इसके अंदर होता है। इसके बाद है पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, ठीक है, जो मछलियां पाली जाती हैं, जबकि आइस्थोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है। दोनों में अंतर है, इसके अंदर मछली पालन का अध्ययन होता है जबकि इसमें मछली का अध्ययन होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।